बैक टू माई चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ एक हेयर कट वीडियो जो कि है 3 लेयर हेयर कट वीडियो, और ये मेरे बालों का कलर मैंने घर पे किया है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं कहीं यहाँ लिंक कर दूंगी। 3-4 दिन पुरानी वीडियो है ये, घर पे ही मैंने कलर किया था अपने बालों को। और उसी वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक लेयर हेयर कट की जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूंगी। तो मैं आ गई हूँ उस वीडियो को लेके। सबसे पहले मैं ले रही हूँ डिटैंगलर और इससे अपने बालों को कॉम कर लूंगी। किसी भी तरह की कोई भी गठान या नॉट आपके बालों में नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है, और जिस दिन मैंने हेयर कलर किया था उस दिन मैंने अपने बालों को ट्रिम किया था, पर फिर भी मैं आप थोड़ा सा ट्रिम करूंगी ताकि जो 3 लेयर वाला प्रोसेस है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए मेरे जो बाल है वो पहले एकदम स्ट्रेट है और कोई भी कटिंग आपको अब नहीं दिख रही होगी। इसमें बालों को बैक लेके आना है पूरा, ऐसे पूरा अपने बालों को आपको बैक लेके आना है, और किसी भी तरह की कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा से कह रही हूँ, तो यहाँ से आपको जो अपने बाल हैं वो एक हेयर बैंड की मदद से टाई कर लेने। तो आप देख सकते हैं मेरे जो बाल हैं वो एकदम सही से कटे हुए हैं, क्योंकि जब मैंने हेयर कलर किया था उस दिन जो मैंने बाल थे वो काट लिए थे। बट एकदम हल्का सा प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैं बहुत ही थोड़े से कट करूंगी। ऑलरेडी ही कट है, बहुत ही थोड़े से करूंगी। आप 1-1 इंच के गैप से कर लीजिए, कि एक इतना लीजिए और इतना करते जाइए, तो लेयर जो है वो आपको प्रॉपरली दिखेंगे। और उसके बाद आपको जो कैची है वो वर्टिकली चलानी है। तरह से आपको जो कैची है वो चला लेनी है। तो ये है फर्स्ट लेयर, आप इसमें कम कर सकते हैं, पर मैंने आपको बताया कि मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही जब हेयर कलर किया था उस टाइम पे बाल काटे थे। तो अभी आपको एकदम प्लेन दिख रहे हैं, इसमें कोई भी लेयर नहीं दिख रही है। अब हम करेंगे सेकेंड लेयर कट। आपका जो ईयर का टॉप है वहां से आपको एक सेक्शन लेना है, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बट एक बार आप जब करने लगेंगे ना तो आपको अपने हाथ से ज़्यादा अच्छा किसी का हेयर कट लगेगा ही नहीं। अब इसे हमें अच्छे से कॉम कर लेना है। ये हमारी सेकेंड लेयर है जो ईयर के टॉप से हमने ली है। तो अब हम 1 इंच जो हेयर है वो कम करेंगे, ताकि जब हम बाल पीछे करें तो जो लेयर है वो प्रॉपरली दिखें। तो जो सीजर है वो मैं 45 डिग्री एंगल पे रखते हुए इसे काटूंगी। वर्टिकली जो कैची है वो चला देनी है, तो इससे ना आपके दो हुए बाल हैं वो भी चले जाते हैं। तो ये 1 इंच मैंने छोटे करे हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा है। इससे बाल घने हो जाते हैं। अगर आपके बाल पतले हैं मेरी तरह, तो ये जो हेयर कट है पतले बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो सेकेंड लेयर के बाद आपको एक हल्का सा टेक्सचर दिख रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारी थर्ड एंड लास्ट लेयर पे। जो आईब्रो सेक्शन है उसके कॉर्नर से मैं ये वाला सेक्शन डिवाइड करूंगी। इसे ही मैं 1 इंच के आसपास छोटा करूंगी।
दो लेयर के बाद हमारे जो बाल हैं वो ऐसे हैं। अब मैं जो थर्ड लेयर है वो इस पे, मैंने अपने आगे के बालों को खोल लिया। ये देखिए आपको लेयर्स जो हैं वो दिख रहे होंगे, ये कुछ इस तरह से जा रहे हैं। ये देखिए आप लोग को लेयर जो है वो बहुत ही आराम से दिख रहे होंगे मेरे बालों में। ये है सबसे छोटा लेयर जो हमने किया था, ये उससे बड़ा मिडिल, और ये है सबसे बड़ा जो हमने फर्स्ट किया था। तो इस तरह से आप घर में अपना हेयर कट कर सकते हैं, और बहुत ही प्यारा असेंडिंग ऑर्डर आता है। ये देखिए है ना, तो मेरे बाल बहुत स्ट्रेट। अभी मैं इसे गीला करके ब्लो ड्राई करती तो आप लोगों को जो कट है वो इजिली विजिबल होता। इससे जितने दो हुए बाल होते हैं वो निकल जाते हैं, जितने बाल आपके खराब लग रहे हैं वो निकल जाते हैं, और इस तरह से अपने बालों की हेल्थ भी मेंटेन कर सकते हैं, और आपको पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और घर में जो अपना हेयर कट है वो कर लेंगे। कितना अच्छा एक फॉल लुक भी आ रहा है, मतलब आपके जो बाल है वो इस तरह से जा रहे हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं घर में थ्री लेयर हेयर कट। आप चाहें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी काट सकते हैं, लाइक अपनी फर्स्ट लेयर जब काटी है सेकेंड लेयर आप इतनी काट लीजिए, थर्ड लेयर मैंने काफ़ी सारी काटी है तो थर्ड लेयर आप इतनी से एक्स्ट्रा काट सकते हो, तो और ज़्यादा आपके हेयर जो है वो उनमें फॉल दिखेगी, बहुत ही प्यारा कट आएगा। सो गाइस यहाँ पे करती हूँ मैं इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देती हूँ, पहले पूरे, उसके बाद याद रखिए ईयर, देन याद रखिए कि ये जो आईब्रो है उसकी एंड से जो आपको हेयर है उनका पार्टीशन करना है। तो यहाँ पे करती हूँ मैं इस वीडियो को एंड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय।